हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज ये मैं ब्लॉग नीरज के घर से स्टार्ट कर रहा हूँ, और हम दोनों और मेरा छोटा भाई हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताएं? नहीं, चल के देखिएगा आप लोग। नहीं तो बता दे रहा हूँ, फिर किस लिए जा रहा हूँ वहाँ बताऊँगा सीधे। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मऊ घूमने के लिए, कम से कम यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है। तो बन रही आज के ब्लॉग में बहुत ही मजा आएगा। तो ब्लॉग दोस्तों, मैं और नीरज मेरा छोटा भाई घर से निकल चुके हैं और घर का वीडियो नहीं ले पाए हैं, और अभी नीरज के घर से कुछ आगे बढ़े हैं। तो दोस्तों, मुझे जाना है यहाँ से मऊ, कम से कम 50-55 किलोमीटर दूर पड़ जाएगा, फिर मऊ से कुछ आगे जाना है। तो बने रहिए ब्लॉग पे। देख सकते हैं दोस्तों कौन कौन बैठा है गाड़ी पे। मैं हूँ, नीरज है और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो देखो कितना घंटा लगता है मऊ जाने में, और बसंती मेरे साथ है, उसी से हम लोग जा रहे हैं। तो अभी हम लोग हाईवे पर हैं, और मुझे लग रहा है कि 20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर हम लोग आ चुके हैं, और मुझे लग रहा था नींद। तो मैं सोचा हूँ कि नींद में गाड़ी चलाऊंगा, लड़ हो जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे रोक कर 2 मिनट रेस्ट करूंगा, उसके बाद गाड़ी चलाऊंगा। पहली बार ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और देख रहे हो गाड़ी सांस जा रहा है। और यहाँ मेरी बसंती है यार, ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है, ये नहीं रहती तो मैं कहीं नहीं जा पाता। तो बने रहिए ब्लॉग पे, चलते हैं वहाँ, पहुँच कर आपसे मिलते हैं। दोस्तों तो देख सकते हो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस, इधर से लखनऊ गोरखपुर जा सकते हो, और हम लोग को तो जाना है सीधे मऊ। और बहुत ही बहुत ही प्यारा नज़ारा यहाँ का है। तो चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पर हम लोग को जाना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग मऊ के मतलब रास्ते पे एंट्री कर चुके हैं, यहाँ देखिए, और हम चलते हैं। तो दोस्तों मऊ पहुँच गए, और ये जो मऊ का पुल है, पुल पकड़ के उस पार जाता है, और यहाँ से मुझे जाना है पूरा घाट। और पूरा घाट क्यों जा रहे हैं वो उनके घर ही पर चल कर आप लोग को बताएंगे, सरप्राइज है आप लोग के लिए। तो देख सकते हो जो मऊ के होंगे तो जान जाएंगे कि हाँ, ये हमारा मऊ का पुल है, और पुल बहुत बड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों, पूरा घाट चलकर मिलते हैं आपसे। यहाँ दोस्तों यहाँ पर समोसा खाने के लिए देखो राजा नीरज, और समोसा यहाँ मैं समोसा लिया हूँ। दोस्तों देखो समोसा ले लिए हैं, और खाकर चलते हैं घर पे, जिनके घर पे जाना है। तो बन रही ब्लॉग पे, तो समोसा खा लिए, अब पैसा देकर चलते हैं हम लोग आगे। तो दोस्तों जिसके घर हम लोग को जाना है, उसके घर पहुँच चुके हैं, और पूरा घाट यार रास्ता सही नहीं है, और बस 1-2-3 सेकेंड में या 5 सेकेंड में उनके घर पहुँच गए। तो बन रही है, नीरज जी बैठे हैं। कब का आई हो? कल का आई है। और कुछ खाई हुई हो कि नहीं? खिला नहीं रही। हाँ, और इधर हम और मेरा छोटा भाई है, बाहर खाना बना रहे हैं। घर से अभी हमारी दादी आई नहीं है, दादी आएंगे तो उनको मिलाएंगे आप लोगों से। तो यहाँ पे देख सकते हो खाना बनाया जा रहा है, इधर खाना है, इधर ये हमारी दादी है, खड़ी है वहाँ पे। और फिर यहाँ से पे देखो इधर मछली बन रहा है आज के दिन, यहाँ पे देखो इतना मछली यहाँ पसारा हुआ है बनाने के लिए। तो ये हमारी बड़ी दादी तो ये हमारी दादी हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी सनी जी काम नहीं करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मिठाई लगा रहे हैं, खाना है तो पेमेंट करना, बहुत ढेर मिठाई है। लेबर इधर तो दोस्तों सनी जी को देखिए मिठाई लगा रहा, और ये भी आज आ गया, और अभी सनी जी मिठाई लगा रहे हैं, उसके बाद दिया जाएगा, तब ब्लॉग तो बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हो गर्मी मुझे कितना हुआ है, दुआ पे मेहमान आ चुके हैं लोग, और पानी पिलाया जा रहा है अभी,
तो बाहर चलेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। और इधर मिठाई लगा रहे हैं, देखो मिठाई मिठाई रखा हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चलो मेहमान से भी आप लोग को दिखाएंगे और मिलाएंगे। तो दोस्तों अभी अब जा रहे हैं लोग लड़की पूजने के लिए, मतलब दिखाने के लिए, तो चलिए दिखाते हैं। अभी बुआ बाहर से निकल रही है, तो देखिए यहाँ पर लेके जा रहे हैं लोग। तो देखो यहाँ पे जा रहे हैं, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गुद भराई हो रहा है, सब लोग हैं। हाँ तो अभी गुद भराई स्टार्ट हो गया है। दोस्तों तो अभी सेवा में लगे हैं, खाना खिला रहे हैं। हम लोग आई है वहाँ से, कुछ कहो लेवर है ना, बोली नहीं हो तुम बोले मिलिए सनी आर्या मेरे नए लेबर, फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रमोशन होने वाला है ना। मजदूरी कैसा दे, इधर से हमारी दादी है आर्या दादी, आर्या हमारी दादी की बहन, हमारी दादी इन्हीं की लड़की का परीक्षा था, मतलब खुद भराई था। कुछ ना कहीं लोग गांव में कहीं लोग का करत है। देखिए सनी जी चला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। तो दोस्तों मेरा चेहरा लाल हो गया है, देख लो खाना खिला रहा था। और मेरा छोटा भाई यहाँ पर है, इधर आओ इधर आओ, हेलो कर दो। हेलो कैसा लग रहा है यहाँ पर तुमको? अच्छा लग रहा है, खाना खाया हो? नहीं ना। तो दोस्तों अभी खाना खिला रहे हैं, और हो सके तो आज नहीं तो कल घर चलेंगे। बाय कर दो, बाय बाय, बने रहो ब्लॉग पे और मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों इन लोगों को खाना खिला रहा हूँ मैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रंजू नजी। और देखो इतना हाई नहीं है ये, तुम ऐसे खाने खाना खिला रही थी तो ऐसी होगी रंजू, और यहाँ पे भी खाना खिला रहे हैं। बहुत लोग आए हैं और ज्यादा भीड़ है, और गाँव में उतना भीड़ ले नहीं पा रहा हूँ। तो दोस्तों यही बुआ हैं जिनका बर अच्छा था, दोस्तों मेकअप कुछ खराब हो गया और मेकअप बह गया। यहाँ पे सब लोग बैठ कर इंजॉय कर रहा है, सारे लोग हैं, इतने लोग हाय कर दो सब लोग। और इधर नीरज जी कैसा लग रहा है? एक नया मेहमान यहाँ बैठे हैं, और इसको खजवट हो गया है। और इधर मैं खाना खिला रहा हूँ। दोस्तों तो अब लोग ये अपने घर जा रहे हैं, और इन लोग की विदाई हो रही है। बहुत लोग, तीन चार घर से इतने लोग आए थे। इधर मैं आप लोग का भाई सुनी आ रहा है, और बहुत तेज भूख लगा है, तो विदाई होगी तो चलकर अब खाना खाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यही सारा फल फूल मिला है, उधर मिठाई है, उधर सब देख रहे हैं कपड़ा उपड़ा। इधर भालू जी बैठी हैं, लाइट कट गया, और लाइट कट जाने की वजह से कुछ देर बाद मिलूंगा आप। तो दोस्तों देखिए सनी जी चढ़े हैं पेड़ पे, और ये देख सकते हैं आप लोग झूला है, गाँव में होता है, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे झूलने के चक्कर में तो उतारने गए हमारे लिए झूला। और अब यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तो उसको भी वो खोल लेंगे तो फिर हम लोग झूला झूला जाएगा। और हम कहाँ हैं आपको आगे वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और ये है पेड़ पे, तो दोस्तों ये आ गए पेड़ पर से उतर के, और झूला नहीं लगा, नहीं लगा ना, नहीं लगा, दिखाए थे टेंट लगा हुआ है, और अच्छा नहीं लग रहा यार।
और दोस्तों मैं हूँ अभी कोपा में, और इधर बड़ा है, गर्मी हो रहा है। जानते हो बार बार ये कहेगी ना, हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सनिया हरिया, बट मोबाइल में बोलेंगे नहीं। बोल दो खाली, कैसे बोलोगे, बोल दो, बोल दो हेलो फ्रेंड्स मैं ऋतिका। और क्या, और क्या, दांत बाहर आ गया है। और बकरी को आज चरा रहे हैं इनका, ये बकरी को खुरमा खिला रहा हूँ, किसका किस्मत पलट जले। पूरा खाली है, हम लोग सोचे थे कि गांव में आए हैं तो वीडियो बनाएंगे, बट यार लाइट नहीं है और नहाए नहीं है तो क्या वीडियो बनाएंगे। और अभी ये खा रहे हैं, बैठ के बनी रही है आप लोग।